हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नंबर। नंबर का अर्थ होता है वचन। वैसे तो हिंदी और इंग्लिश ग्रामर में नंबर होते हैं दो प्रकार के। एक होता है सिंगुलर नंबर, दूसरा होता है प्लूरल नंबर, यानी कि एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में नंबर यानी वचन होते हैं तीन प्रकार के। लेकिन हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमें दो प्रकार से ही जानना है। एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन, यानी कि सिंगुलर एंड प्लूरल। एक वचन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु का बोध हो, जैसे कि बॉय। बॉय मतलब होता है लड़का, यानी यहाँ पर सिर्फ एक ही लड़के का बोध हो रहा है। बुक, बुक मतलब क्या होता है? पुस्तक। यहाँ पर सिर्फ एक ही पुस्तक का बोध हो रहा है। वहीं देखते हैं बहुवचन में, यानी कि एक से अधिक व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं का जहाँ पे बोध होता है। एग्जाम्पल देखते हैं बॉयस। बॉयस मतलब होता है लड़के। ये बॉय मतलब होता है लड़का। ये था एक वचन यानी कि सिंगुलर। अगला है बहुवचन बॉयस। बॉयस मतलब होता है लड़के। यहाँ पर लड़के क्या है? अनेक हैं। फिर देखते हैं बुक्स। बुक्स मतलब होता है पुस्तकें। पुस्तकें क्या है? यहाँ पर अनेक है। अब आगे देखते हैं इसके रूल कि कहाँ पर एस लगा। पहला जो रूल है वो संज्ञा के अंत में एस लगाकर, यानी कि हम अगर एस लगा देते हैं तो वो बहुवचन हो जाता है। जैसे कि एच ए एन डी, हैंड। हैंड मतलब क्या होता है? हाथ। और इसमें हैंड्स एस लगा दीजिए तो क्या हो गया? कई हाथ। ये हो गया एक वचन, ये हो गया बहुवचन। अगला है ई वाई ई, आई मतलब आँख। फिर अगला है ई वाई ई एस, इसमें एस लगा दिए क्या हो गया? आँखें हो गया। ये हो गया रूल फर्स्ट। इसमें क्या है? संज्ञा के अंत में एस लगाकर इसका एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। दूसरा है संज्ञा के अंत में ई एस लगाकर, ई एस जैसे कि जी एल ए डबल एस, ग्लास मतलब होता है ग्लास, यानी कि एक ग्लास। फिर हो गया जी एल ए डबल एस ई एस, इसमें ई एस लगाएंगे तो क्या हो गया? कई ग्लास। अगला है एम ए एन जी ओ, मैंगो। मैंगो मतलब क्या होता है? आम। इसका बहुवचन होता है एम ए एन जी ओ ई एस, मैंगोस। मैंगोस मतलब हो गया कई आम। अब देखते हैं उत्तरी, हम देखते हैं जब संज्ञा के अंत में वाई हो तो वाई हटा के आई एस लगा कर बनाते हैं, जैसे कि ए आर एम वाई, आर्मी। लास्ट में वाई आ रहा है ना, तो आर्मी मतलब क्या होता है? फौज। इसमें वाई हटाकर आई एस लगा के इसका बहुवचन बनाते हैं। आर्मी का हो गया आर्मीज। सिटी, देखिए लास्ट में वाई आ रहा है ना, तो ये वाई हटा के आई एस लगा देंगे तो क्या हो गया? सिटी मतलब नगर, सिटीज मतलब कई नगर। लेकिन इसके पहले अगर कॉन्सोनेंट होता है यानी कि व्यंजन, तभी ये वो आई एस लगता है। अगला हम देखते हैं अगर वाई से पहले स्वर हो तो यस जोड़कर ही हम इसका बहुवचन बनाते हैं, जैसे कि के ई वाई, की मतलब कुंजी। इसका बहुवचन हो गया के ई वाई एस, किस मतलब हो गया? कुंजिया। इसमें देखिए सिर्फ एस लगा है, क्यों? क्योंकि वाई से पहले क्या है? वोवेल्स। वोवेल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, पांच होते हैं वोवेल्स। वाई के पहले अगर पांच वोवेल्स हैं तो सिर्फ एस लगाकर ही हम इसका बहुवचन बनाएंगे, जैसे बॉय। बॉय देखिए वाई से पहले क्या है? वोवेल्स। वोवेल्स होते हैं पांच, ए ई आई ओ यू। अगर ये पांचों आते हैं तो सिर्फ एस लगाकर ही हम इसका बहुवचन बनाएंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर फाइव। एफ या एफ ई की जगह बी ई एस लगाकर, जैसे कि थीप, टी एच आई ई एफ। देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है? ई एफ आ रहा है, तो ई एफ मतलब हटाकर लगा देंगे हम बी ई एस, टी एच आई ई एफ। थीप मतलब चोर, थीप्स मतलब हो गया कई चोर।
आगे है सी ए एल एफ, काप मतलब होता है बछड़ा, यहाँ पे क्या आ रहा है एफ, तो एफ हटा क्या लग जाएगा बी ई एस, काप्स मतलब हो गया बछड़े, जहाँ पर एफ या ई एफ होते हैं वहाँ पर एफ या ई एफ हटाकर बी ई एस लगाकर हम बनाते हैं बहुवचन। अगला देखते हैं संज्ञा के अंत में ई एन या आर एन लगाकर, जैसे कि ओक्स, ओक्स मतलब क्या होता है बैल, एक बैल, अनेक बैल का क्या होगा ऑक्सन, इसमें ई एन लगा देंगे तो हमारा प्लूरल हो गया। फिर क्या है चाइल्ड, चाइल्ड मतलब होता है एक बच्चा, इसमें आर ई एन लगाने से बन गया ये चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब होता है बच्चे, चिल्ड्रन। अगर हम देखते हैं सेवन नंबर वोवेल को बदलकर, यानी कि हम इसमें यस या ई एस या फिर वी ई एस नहीं लगाते हैं, हम इसमें वोवेल्स ही चेंज करते हैं तो एक वचन से बहुवचन हो जाता है, जैसे कि मैन, मैन मतलब मनुष्य, इसमें ई एन लगाकर हो गया कई मनुष्य, फुट मतलब पैर, डबल ई टी मतलब अनेक पैर। अगला है आठवां और लास्ट है जिसका सिंगुलर यानी कि एक वचन और बहुवचन समान ही रहता है, नो चेंजिंग, जैसे कि डियर, डियर मतलब हिरण, और कई हिरण का भी डियर ही होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, एक वचन और बहुवचन दोनों का दोनों सेम रहता है। जैसे पैसे, पैसा एक वचन और बहुवचन दोनों सेम है। हेयर मतलब बाल, एक बाल का भी हेयर रहता है और अनेक बाल का भी हेयर ही रहता है। फिर है डजन, डजन मतलब दर्जन, एक दर्जन की स्पेलिंग भी यही रहती है और अनेक दर्जन की स्पेलिंग भी यही रहती है। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।